नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बालोद की, यहाँ पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन पर की गई बड़ी कार्रवाई। साथ ही बात करेंगे मैनपुरी की, यहाँ आईजी बीएसएफ सुधींद्र कुमार सिंह पुत्र मेजर युधिष्ठिर सिंह ने किया जिले का नाम रोशन। अंत में बात करेंगे पीलीभीत की, यहाँ मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को लेकर कराई गई फॉगिंग। तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले पुरूर थाने में आरोपी द्वारा मध्य प्रदेश में निर्मित अंग्रेजी शराब विस्की गोवा को छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी थी। वहीं बता दें कि थाना पुरूर की पूरी टीम और बालोद पुलिस के द्वारा इस अवैध रूप से ले जा रहे मादक पदार्थ को बड़ी सफलता के साथ पकड़ लिया गया। अवैध शराब की बिक्री के रोकथाम के लिए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में ये कार्यवाही हुई। छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से, जहां गढ़िया निवासी सुधींद्र कुमार सिंह को आईजी बनने पर गांववासी व क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई दी है और मेजर युधिष्ठिर सिंह के पुत्र सुधींद्र कुमार सिंह वर्तमान में बीएसएफ में डीआईजी हैं। बीएसएफ में 36 वर्षों की सेवाएं दे चुके हैं। वर्ष 2019 में उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल फॉर्म मेडिटोरियम सर्विस का सम्मान मिल चुका है। उनकी माता आदेश कुमारी ने अपने बेटे पर हर्ष व्यक्त किया है। वहीं कपिल मुनि संस्थान के सचिव शैलेंद्र सिंह बिल्टन, बहन नीरू सिंह आदि ने भी हर्ष व्यक्त किया है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के सबसे पुराने स्पोर्ट्स क्लब के सभागार में पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रवि राज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व निलंबित उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गौतम द्वारा पूर्व में बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी एवं जिला कमेटी पर मनमाने ढंग से एसोसिएशन चलाने का आरोप लगाया गया है। उसी के जवाब में पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सहित पूरे पदाधिकारी, पूरे कागजात एवं साक्ष्यों के साथ जवाब दिया गया। साथ ही पूर्व उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गौतम के कार्यकाल में अनियमितताओं को उजागर किया गया। वहीं पूर्व में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सारे निर्णयों को अनदेखा कर पूर्वी चंपारण में इनके द्वारा समकक्ष एसोसिएशन चलाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उनके द्वारा अनर्गल बयानबाजी एवं खिलाड़ियों एवं पंजीकृत टीमों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था, जिसका उचित जवाब प्रेस वार्ता द्वारा आज दिया गया। भविष्य में खेल एवं खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कन्हैया प्रसाद, संयुक्त सचिव मधुरेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी अमित कुमार गुड्डू, खिलाड़ी प्रतिनिधि अयाज अहमद, क्लब प्रतिनिधि ब्यूटी कुमारी, महिला खिलाड़ी प्रतिनिधि संत कुमार, अनुशासन समिति सदस्य मुकेश सिन्हा, सुबोध कुमार, रवि कुमार चुटुन, रितेश श्रीवास्तव, अकाउंट्स प्रतिनिधि सहित अनेकों खिलाड़ी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में एसोसिएशन सचिव रविराज का क्या कुछ कहना है। पूर्वी चंपारण क्रिकेट एसोसिएशन का जो विवाद उपाध्यक्ष श्री ज्ञानेश्वर गौतम जी द्वारा किया जा रहा है, ये सारा सर गलत है, निराधार है। इन्होंने चुनाव पे जो कहा है कि नहीं हुआ, पूरा कागज पे दस्तखत कराया गया, उसका सारा कॉपी हमने आपको दिया। 3 सितंबर 2023 को जो चुनाव हुआ, 3 सितंबर, हाँ, 4 तारीख से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वेबसाइट पे भी है। उस चुनाव को कह रहे हैं चुनाव हुआ नहीं, जबकि उसी चुनाव के आधार पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़े हैं बीसीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य संयोजक के रूप में और निर्विरोध चुनाव जीते हैं, निर्वाचित हुए हैं। राकेश तिवारी जी पे लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि बिहार के बाहर के लड़कों को खिलाया जा रहा है, बिहार के बाहर के लड़के को खिलाना नहीं खिलाना, कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला से रजिस्टर्ड होते हैं तभी बिहार से क्रिकेट खेलते हैं, किस जिला से है नहीं है ऐसा कोई कानून नहीं है कि दूसरे स्टेट का लड़का यहाँ गेस्ट प्लेयर में खेलता है, लेकिन इनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि बहुत पैसा लेके खिलाया जा रहा है। इसको साबित करना होगा, मुंह से कहने से नहीं होगा। राकेश तिवारी जी के नेतृत्व में बिहार क्रिकेट बहुत अच्छा कर रहा है। अभी बीसीएल में भी बिहार के लड़कों को मौका। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में राजमहल संसदीय सीट पाकुड़ जिले पर चुनाव में शहरी क्षेत्र के मतदाताओं का बूथ केंद्र पर पहुंचने का सिलसिला धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटर वोट देने के लिए कतार में तो लग गए और बारी बारी से वोट देना शुरू कर दिया।
वोटरों के मिजाज के साथ साथ मौसम का मिजाज भी सुहाना है, लेकिन 8:30 तक बूथ पर वोटरों की संख्या व उपस्थिति कम देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि समय बढ़ने के साथ वोटरों की संख्या बूथ केंद्र पर पहुंचेगी और अपने वोटिंग करेंगे। हालांकि शहर वोटर की बूथ पर धीरे धीरे पहुंचना तेज हो गया है। शहर से सटे ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी 11 बजे तक 31% से ज़्यादा, वहीं महेशपुर विधानसभा में 33% से ज़्यादा, लिट्टीपाड़ा विधानसभा में 29% से ज़्यादा वोटर बूथ तक पहुंचकर मतदान कर पाए हैं। कहीं न कहीं वोटरों में यहां शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, पाकुड़ के आसपास के ग्रामीण इलाके, पाकुड़ शहर के लोग में उत्साह दिख रहा है। जबकि यहां मौसम आज भी बहुत अनुकूल है, मौसम का मिजाज बेहतर है, लेकिन जिस रफ्तार से वोटर को बूथ पर आना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। हालांकि वृद्ध वोटर भी चल कर आए हैं और अपने मतदान करके गए हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है। बता दें कि जहां जानलेवा बुखार फैलाने वाले मच्छरों के बढ़ते प्रकोप पर काबू पाने के लिए शेरपुर कला में कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। नालियों, नालों और जलभराव वाले स्थानों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेश चंद्र वर्मा व प्रधान कार्यवाहक जावेद खान द्वारा कराया जा रहा है। मौसम बदलने के साथ संक्रामक रोगों ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। तमाम तरह के रोग फैलने का डर है, जिसमें बुखार, उल्टी, दस्त, डायरिया आदि रोग तेजी से पनप रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को वार्ड नंबर 1 में ग्राम पंचायत सदस्य इशरत यार खां उर्फ मोंटू ने अपने हाथों से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया और जल भराव वाली जगहों तथा नालियों में छिड़काव किया। ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेश चंद्र वर्मा ने बताया कि लोगों की सुविधा और दिक्कतों को लेकर हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। यूं तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव तथा ग्राम पंचायत में सैनिटाइजर समय समय पर होता रहता है, लेकिन अब मच्छरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ग्राम पंचायत शेरपुर कला में हर एक वार्ड में कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जा रहा है तथा पंचायत में सफाई कर्मियों द्वारा सफाई लगातार की जा रही है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।